अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, चूरी की रेसिपी। ये तकरीबन हमारे पास घर का आटा जो होता है गंदम का, ये है आधा किलो जितना, ठीक है। और ये हमारे पास है देसी घी, ठीक है। ये 4 टेबलस्पून जितना ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इस आटे को पानी के साथ गूंद लेंगे। पहले हमने इसमें सारा का सारा ये जो आटा ऑयल डाला है, घी डाला है, देसी घी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा पानी करके ना आटा हम गूंद लेंगे। ये आटा गूंदने का तरीका आप देखें, हम इसको सख्त आटा गूंदेंगे, जैसे घर का आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदेंगे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को सख्त गूंद रहे हैं। थोड़ा थोड़ा गूंदते जाएंगे और एक साइड पे ऐसे करते जाएंगे, एकदम से पानी नहीं डालना। ये देख सकते हैं आप आटा कितना सख्त गूंदा हुआ है हमने, ठीक है। मैं आपको हाथ लगा के चेक करवाती हूँ, देखें हाथ नहीं जा रहा अंदर, ठीक है। इसी तरह से आपने भी गूंदना है जी। ये अब हम इसका ना एक पेड़ा बना रहे हैं, ऐसे बड़ा बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे हम, ठीक है। इसको कोई आटा सूखा आटा नहीं लगा रहे, बस ऐसे पेड़ा बना के ना हम इसका रख लेंगे। और हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया, उसके ऊपर ना हम इसकी रोटी बना देंगे जी। देखें ये हमने आधा किलो में 5 पेड़े बनाए हैं। अब हम इसको तवा गर्म हो रहा है, इसको अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे इसकी। देखें किस तरह से रोटी बढ़ा रहे हैं हम। बस ये इतनी काफ़ी है, इसे बड़ा नहीं करना हमने इसको जी। तवा हो चुका है गरम, रोटी डाल दी हमने इसके ऊपर और इसे पकने देंगे जी। एक साइड से ये पक गई थी तो हमने इसकी साइड चेंज कर लिया, अब दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं जी। ये पक चुकी थी अच्छी तरह से, तो हमने क्या किया, इसे अंदर से ये कच्चा ना रह जाए, इस वजह से हम इसे रुमाल की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर पका रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए आप, साइड हमने चेंज कर ली, ये इस तरह से पक जाएगी जी। ये देखें, ये एक साइड है इसका पका हुआ और ये मैं आपको दिखाऊं, ये इसका दूसरा साइड है, ठीक है। ये पक चुकी हुई है, अब हम इसे उतार। ये चॉपर है मेरे पास, तो मैंने ये इसमें ना रोटी के 4-6 टुकड़े कर दिए हैं। ये मैंने रोटी के 4-6 टुकड़े कर दिए हैं। मैं इसको उठा के ना इस चॉपर में डाल दूँगी और इसको चॉप कर लूँगी। बिल्कुल हमने इसको बारीक सा करना है, बिल्कुल जी। ये देखिए, जी आप देखें, ये हमने इसे चॉपर में डाल के ना अच्छी तरह से पीस लिया, लेकिन ये अभी भी मोटी, हम क्या करेंगे, हम इसे छान लेंगे। आपके पास कोई भी चीज़ हो छानने के लिए तो उसमें छान सकते हैं आप। मैंने ये सेमी वाली स्टेनर लिया है, उसमें मैंने डाल दिया इसको और मैं इसको छानूंगी जी। ऐसे हाथों की मदद से हम ऐसे करते रहेंगे और इसे छानते रहेंगे। और नीचे हमने एक बर्तन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये, इसमें वो जो भी होगा ना चूरा इसका निकलता जाएगा। जी ये देखिए, ये हमने छान ली है, ये ऐसी निकल आई है, ठीक है, कितनी बारीक। और जो रह गई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम दोबारा चॉपर में डाल के ना दोबारा से इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, सॉरी चॉप कर लेंगे, तो ये फिर मज़ीद ये हो जाएगा। इसी तरह से हम जितनी दफ़ा इसको छान लेंगे और उतनी ही दफ़ा हम इसे दोबारा जो भी बचता जाएगा ना इसे चॉपर में डाल के चॉप करते जाएंगे। ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून जितना छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है, वो इसमें डाल देंगे। और 1 कप से थोड़ी सी कम है चीनी, ये डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है पिसी हुई चीनी डालें या साबित डाल रहे हैं। और ये तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून जितना देसी घी है ये हम डाल रहे हैं इसमें। और इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे ये देखिए अच्छी तरह से इसे चम्मच की मदद से करेंगे। हाथ की मदद से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना तो वो हाथों को चिपक जाएगा सारा, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे हर तरफ से, इसे चारों साइडों से ऐसे घुमा घुमा के।
जी मैंने जो चीनी डाली है उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने ये 3 रोटियों का बनाया है, जो 2 रोटियां थी एक्स्ट्रा मेरे पास वो मैंने नहीं इस्तेमाल में लाई, और ये 3 रोटियां हैं उसी हिसाब से मैंने इसमें 1 कप पूरा नहीं है, ऐसे थोड़ा सा कम है, ठीक है उतना डाला है, 8 टेबल स्पून जितना हमने इसमें देसी घी डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि जी हमारी चूरी हो गई बिल्कुल तैयार। मैंने इसके ऊपर बादाम डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मुझे मेरी कज़न ने रिक्वेस्ट की थी, वो बाहर रहती हैं कैनेडा में, तो ये मैंने उनके लिए बनाई है, उम्मीद है उन्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।